तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना के द्वारा एक घातक मिसाइल का परीक्षण किया गया है, जिसने कुछ ही सेकंडों के अंदर एक नेवी के पुराने जहाज की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। और दोस्तों, इस टेस्ट ने अमेरिका की सबसे ताकतवर क्रूज मिसाइल टॉम हॉक को भी पीछे छोड़ दिया है, और इससे अमेरिका ने भी भारत की मिसाइल का लोहा मान लिया है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका की जो क्रूज मिसाइल है टॉम हॉक, वो बहुत ही जबरदस्त सबसोनिक क्रूज मिसाइल मानी जाती है। और इस मिसाइल की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि जब अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में लड़ाई चल रही थी, तब यूएसएसआर की नेवी ने इसी मिसाइल के कारण अमेरिकी नेवी से सीधे पंगा नहीं लिया था, क्योंकि उस समय टॉम हॉक जितनी ताकतवर मिसाइल प्रेजेंट टाइम में यूएसएसआर के पास भी नहीं थी। और दोस्तों, इसलिए यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में जमीनी तौर पर युद्ध हुआ था, ना कि समुद्र के अंदर। और दोस्तों, इसी टॉम हॉक मिसाइल को अमेरिका ने बहुत ही ज्यादा अपग्रेड करके इसके कई सारे वेरियंट बना लिए हैं, जिनकी मैक्सिमम जो मारक क्षमता है वो 2500 किलोमीटर के अंदर मानी जाती है। साथ में यह 0.74 मैक यानी सबसोनिक स्पीड से उड़ान भरती है, जिससे दुनिया की सबसे टैक्टिकल सबसोनिक क्रूज मिसाइल मानी जाती है। परंतु अमेरिका की टॉम हॉक भी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के सामने फीकी पड़ जाती है, क्योंकि जहां पर टॉम हॉक मिसाइल सबसोनिक स्पीड पर उड़ती है, तो वहीं पर अपनी ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से जाकर दुश्मन के ऊपर हमला करती है। और अभी वायुसेना के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल के एक नए वेरिएंट का टेस्ट किया गया है, जिसने नेवी के एक पुराने जहाज के परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं एक ही बार के अंदर। और दोस्तों, भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही ताकतवर ब्रह्मास्त्र साबित होगी, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 800 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है, और इसने पलक झपकते हुए 4.9 मैक की रफ्तार से नेवी के जहाज को ध्वस्त कर दिया है। फिलहाल में अभी हमारे 40 सुखोई 30M के आई फाइटर जेट ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी कर सकते हैं, और आगे इस 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के सभी फाइटर जेटों के अंदर लगाया जाना है, जिससे दुश्मनों के लिए भारतीय वायुसेना का बेड़ा काल साबित होगा। खैर दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने जो अमेरिका की मिसाइलों के समक्ष एक कीर्तिमान साबित किया है, उसको आप सभी कितना सपोर्ट करते हो कमेंट बॉक्स में फिर आवेश दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।